तो हे गाइस वेलकम बैक, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेड स्कोर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली तीन वीडियो में जेड स्कोर्स एंड IQR एंड परसेंटाइल मेथड को देखने वाले हैं। तो उस तीन वीडियो में से उस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जेड स्कोर के बारे में। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जेड स्कोर की मदद से हम लोग आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं या कैप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जेड स्कोर में क्या होता है। तो पहला कंडीशन है कि हम केवल उस डेटा पर अपना जेड स्कोर मेथड लगा सकते हैं जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, जो डेटा केवल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो पहला कंडीशन हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, उनको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें जेड स्कोर में करते क्या है, देखो जेड स्कोर में करते क्या है, अपने पूरे डेटा का एक मैक्स निकालते हैं और एक मीन निकालते हैं। जैसे ये हमारा डेटा दिया गया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे डेटा का जो मीन है वो मी है और हमारे डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं म्यू प्लस सिग्मा, ये इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हम माइनस वाला भी निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा हो गया, देखा गया है कि जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है प्लस माइनस वाला, इसमें हमारे 68% डेटा आ जाते हैं। इसी तरह हम निकालते हैं म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें क्या होता है कि अब जो हमारा जो डेटा हम चेक करेंगे, अब अपने हर एक जो कॉलम हमारा उस कॉलम के एक डेटा को चेक करेंगे, अगर जो कोई डेटा म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा है तो हम उसको एज अ आउटलायर कंसिडर करेंगे। अगर हमारा डेटा म्यू माइनस 3m से छोटा है, म्यू माइनस 3 सिग्मा से छोटा है, तो भी हम कहेंगे कि हमारा डेटा या आउटलायर से हमारा चला गया है। ठीक है, तो अगर हम ये छोटा और बड़ा चेक कर रहे हैं तो हम इसको जेड स्कोर क्यों बोलते हैं। देखो जेड स्कोर अगर आपको पता हो तो जेड स्कोर फार्मूला क्या होता है, एक्स आई डैश इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स आई माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू 3 या 4 आता है, तो अब हम यही तो चेक कर रहे हैं इस जेड स्कोर में क्या कर रहे हैं। अगर हमारी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू 3 से बड़ी आई तो हम उसको लेंगे, नहीं आई तो नहीं लेंगे। तो वही काम इसमें हम करेंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो आपको डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, तो मैंने इस डेटा सेट को डाउनलोड कर रखा है टैगल से। आप इस वाले लिंक पे जा करके, ये लिंक आप देख रहे हैं, आप ऐसे सर्च करेंगे स्टैटिस्टिकल लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर डेटा, तो आपको एक data.csv नाम की फाइल मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, डेटा को डाउनलोड करके फिर हम लोग मिलते हैं। चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पर, तो यहाँ से आप data.csv ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेना और उसके बाद चलते हैं हम लोग गूगल कोलैब पर। तो हम अपना डेटा को एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं अपने डेटा को, और तब तक हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट पांडास HPD एंड इंपोर्ट पाई HNP, ये कनेक्ट हो गया है। और अपने डेटा को हम जो हमारा जो data.csv है जो आपने डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेटा। हम लोग एक बार डेटा को रीड करते हैं, तो df इक्वल टू pd.read csv, और यहाँ पर डेटा को हम लोग एक बार देख लेते हैं df.head करके। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं, आप डेटा सेट के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। तो हमको देखिए बहुत ज़्यादा सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, हमको जो मेन कॉलम है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो जो जो कॉलम की जरूरत है
इसको मैं निकाल लेता हूँ, df इक्वल टू, एक आईडी चाहिए हमको, आईडी जरूरत नहीं है वैसे, ले लेते हैं आईडी क्या चाहिए, जो जो चाहिए उसको उसको ले लेते हैं। एक तो आईडी आईडी ले लेते हैं हम लोग, आईडी का जरूरत है तो आईडी ले लेते हैं हम लोग, और डायग्राम का रेडियस मीन का जरूरत है इसको ले लेते हैं। मतलब मैं डेटा सेट को थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास हैं तो बहुत सारे कॉलम्स लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई डेटा नहीं, आप मत छोटा कीजिए, आप वैसे काम कीजिए, और थोड़ा जो एक चार ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अपना आउटलायर ढूंढेंगे और उसको हैंडल करेंगे। एक बार हटाने के बाद हम अपना डेटा सेट देख लेते हैं। ठीक है, हमारा डेटा सेट थोड़ा छोटा हो गया, देख लेते हैं हमारे पास कितने डेटा हैं। तो लेंथ ऑफ डेटा, तो शायद इसमें 10,000 डेटा थे मैंने देखा था, अच्छा 569 है, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे पास कितने रोज है, 569 रोज है, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमको हमारे पास कितने फीचर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला फीचर है, रेडियस का है, एक टेक्सचर मीन का है, एक पैरामीटर मीन का है, एक एरिया मीन का है, ठीक है। अब इसी में से हमको देखना पड़ेगा कि किसमें हम जेड स्कोर या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलता है। तो एक बार हम चारों पे जो है एक ग्राफ सब प्लाट करते हैं, देखते हैं किसमें हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो ग्राफ प्लाट करने के लिए मुझे सीबॉर्न इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं सीबॉर्न। इम्पोर्ट सीबॉर्न एज एस एन एस, ठीक है, सही है ना। और इसमें हम लोग अपने डेटा सेट को डाल देते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसमें नल वैल्यू है कि नहीं। तो नल वैल्यू देखने के लिए हम लोग कर देते हैं क्या, df.info। तो नल वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब हम अपना प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो एक लाइब्रेरी हमको मैट प्लॉट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एच PLT, ठीक है। अब हमको कितने फिगर साइज ले लेते हैं, तो PLT डॉट फिगर, इसमें अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो PLT में हमारे पास एक फिगर नाम का फंक्शन होता है, FGUI फिगर, और इसमें हमको देना पड़ता है फिक्स साइज, दे देते हैं 20.5। और हमारे पास कितने चार रोज है ना, 1, 2, 3, 4, रेडियस मीन, टेक्सचर मीन, पैरामीटर मीन। तो हम लोग सब प्लाट करते हैं, PLT डॉट सब प्लाट, इसमें हमारे पास चार इमेज है, चार फोर्थ में से फर्स्ट है, प्लॉट कर देते हैं sans.dist plot में अपना, हम हमारे पास चार हैं तो चार हम दे देते हैं रेडियस मीन, और इसको कॉपी कर लेते हैं। अगला होगा PLT.subplot 1.4, सेकेंड वाली इमेज है हमारी, और इसमें sans.dist plot, इसमें हम लोग दे देते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, टेक्सचर मीन दे देते हैं, ठीक है। PLT.subplot 3rd वाला इमेज है, इसमें sans.dist plot, इसमें हम लोग दे देते हैं df
अब टेक्सचर और पैरामीटर मीन, और एक एरिया मीन है। PLT डॉट सब प्लॉट 4 4 SNS डॉट डिस्ट प्लॉट DIST डिस्ट प्लॉट, इसमें हम लोग दे देते हैं लास्ट वाला एरिया मीन और अपने ग्राफ को हम लोग शो करा लेते हैं। PLT डॉट शो, तो हमको कुछ जो है हमारा मिला। तो अब बताइए कि इसमें से आपको किस पर आप जो है अपना जेड स्कोर की वैल्यू लगाना चाहिए। तो स्कोर के लिए पहली कंडीशन क्या थी, जेड स्कोर के लिए पहली कंडीशन थी हमारे पास वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता होना चाहिए। तो इसमें से कौन किस वाले में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे टेक्सचर मीन पर लग रहा है। तो हम लोग टेक्सचर मीन वाले को, टेक्सचर मीन वाले भी अपना देखते हैं अगला, टेक्सचर मीन वाले को सेलेक्ट करते हैं और इसमें आउटलाइट ढूंढते हैं। अगर मिलते हैं आउटलाइट ठीक है, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आउटलाइट्स के लिए पहले एक बार हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो क्या है टेक्सचर मीन आ रहा है हमारा ने, टेक्सचर मीन डॉट डिस्क्राइब तो देख लिए टेक्सचर मीन हमारा काउंट टोटल कितने हमारे पास डेटा 569 और मीन जो है हमारा 19.28 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.3 है, मीन मिनिमम वैल्यू हमारे 9.7 है और 25% 16 है, 50% 18 है और 75% इतना है, मैक्स हमारा या 100% या मैक्स हमारा 39.28 है। ठीक है, अब हम लोग आउटलायर्स को देखते हैं कैसे देखेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारा एक ग्राफ था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें क्या था, एक मीन था हमारा, फिर म्यू प्लस सिग्मा था, म्यू प्लस टू सिग्मा, म्यू प्लस थ्री सिग्मा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, म्यू प्लस थ्री, म्यू माइनस थ्री सिग्मा और म्यू माइनस थ्री सिग्मा, म्यू प्लस थ्री सिग्मा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम देखेंगे, इस वैल्यू में और इस वैल्यू को। तो हम पहले एक्सट्रीम पॉइंट अपना निकाल लेते हैं। तो चलिए एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट UPER और लिमिट क्या होगा, DF ऑफ कौन सा, टेक्सचर मीन का। तो हम लोग टेक्सचर मीन पे काम कर रहे हैं, टेक्सचर मीन इस काम को क्या चाहिए, मीन चाहिए, MEAN ठीक है, उनको मीन चाहिए। और प्लस हमारे पास 3 × DF ऑफ टेक्सचर मीन का, टेक्सचर मीन का हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन STD। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो एक बार अपर लिमिट को हम लोग प्रिंट करते हैं, अपर लिमिट। तो ठीक है, हमारा अपर लिमिट जो आया मैक्स वैल्यू 39.8 था, लेकिन हमारा जो मिला हमको अपर लिमिट हमारा 32.19 मिला, मतलब इसमें आउटलायर्स हमारे निकलेंगे। एक बार लोअर लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लोअर लिमिट इक्वल टू DF ऑफ टेक्सचर मीन, और इसका भी हमको निकालना पड़ेगा मीन, प्लस 3 × DF ऑफ टेक्सचर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन STD, और हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस। तो एक बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट लोअर लिमिट, लोअर हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकल गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम दो चीज कर सकते हैं, क्या, या तो कैपिंग कर सकते हैं या तो ट्रिमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहले एक बार देखते हैं हमारे आउटलायर्स मिलते हैं कि नहीं।
आउटलायर्स कैसे मिलेंगे? डी एफ ऑफ टेक्सचर मीन, इसमें से क्या होगा जो वैल्यू बड़ी हो हमारी किससे, अपर लिमिट से, अपर लिमिट, या तो जो वैल्यू टेक्सचर मीन से, टेक्सचर मीन के मिनिमम थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटी हो तो लोअर लिमिट। ठीक है, इसको हम लोग शो करते हैं। तो शो करने के लिए हमको एक और यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा और यहाँ पर भी, बस इसमें मैं दिखा, जब आप हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है कितने हमारे पास आउटलायर्स हैं, तो ये रहे हमारे आउटलायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास इस समय 4 आउटलायर्स हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों हमको रिमूव करना है, या तो रिमूव कर दें या तो कैपिंग कर लें, तो हम दोनों चीज़ करेंगे। पहले एक बार ट्रिम कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं इन लोगों को, और दूसरी बार एक बार कैपिंग करेंगे, एक बार रिमूव कर देंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले हम लोग जबकि ट्रिम इन कर देते हैं, पहले इन लोगों को ट्रिम कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा चारों आउटलायर्स है 1 2 3 4, इस चारों आउटलायर्स को हम लोग रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम सेम यही तरीका लगाएंगे, इस समय हमारे पास टोटल डेटा कितना है, टोटल हमारे पास रोज इस समय 569 है, इस चारों को हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास डेटा की साइज छोटी हो जाएगी। तो छोटी करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वह अपर से छोटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और रोज उसकी वैल्यू लोअर से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा आउटलायर सारे रिमूव हो गए। ठीक है, तो हमारा न्यू डीएफ में हमारा सारा आउटलायर आ गया। तो एक बार न्यू डीएफ को प्रिंट करवाते हैं, न्यू डीएफ यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, न्यू डीएफ। तो ठीक है, एक बार इसकी देखिए, हमारा पहले कितना था, 569 था, और हमारे हमने चार को ट्रिम कर दिया, तो इससे हमारा डेटा सेट छोटा हो गया। तो ये तो रहा ट्रिमिंग, हम ऐसे ट्रिमिंग कर सकते हैं। और आपको